मैंने जो मेरे माथे पर टीका लगाया था देखिए था पूरा बह चुका है। आप सब देख सकते हो इस वक्त हम लोग खड़े हैं ब्रास साइड चल रहे हैं मूर्ति के पास। गणपति बप्पा की मूर्ति विष्णु जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है। जैसे मतलब धारावी के अंदर एंट्री मारते हैं मैं सब खड़ा हूँ मेरे एरिया में जहाँ पे बप्पा की मूर्ति विराजमान होती है। मैंने आप सबको बोला था मौसम पूरा खराब हो चुका है और पीछे देखिए नरसिम्हा अवतार और साथ में बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है। बजरंग बली जी के गधे के ऊपर गणपति बप्पा को देखिए श्री राम भगवान के अवतार में बनाया गया है। तीनों बप्पा की मूर्ति श्री राम भगवान जी के अवतार में बनाई गई थी। जय श्री राम। देखिए हंस के ऊपर बप्पा की मूर्ति विराजमान है। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं धारावी चा गजवाकर बप्पा के मूर्ति के बराबर सामने और पब्लिक यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारी प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति देखने के लिए मिल रही है। बजरंग बली जी ध्यान लगाए हुए बैठे हैं और उनके पूंछ के ऊपर देखिए गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई गई है। और आइए इस वक्त मैं आप सबको दिखाता हूँ कि हमारे जो भाई लोग हैं अपने एरिया के यहाँ पे कोई प्लेट बांट रहा है तो कोई खाना बांट रहा है। लेकिन मैं इस इंट्रो में सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि मुझे आज धारावी में एक आंटी जी मिली थी। वो मुझसे कह रहे थे कि उनका एक छोटा सा बच्चा है जो कि मेरा बहुत ही बड़ा फैन है, वो हमेशा मेरे वीडियोस वगैरह देखता है और मुझे उस बच्चे का नाम नहीं याद आ रहा है। इसके लिए मैं एक्चुअली नाम मैं बता नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे सरनेम याद है। आंटी जी ने मुझसे कहा था कि उनका सरनेम गुजर है। तो आंटी जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पूरे वीडियो में मतलब बता नहीं पाया, तो इसके लिए मैंने एक इंट्रो खत्म होने के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया। अब आप सब पूरा वीडियो देखें पब्लिक, आप सबको बहुत मजा आएगा। जय श्री राम। तो क्या बोलती पब्लिक, जय श्री राम। एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आज का एकदम लास्ट दिन है और मेरा डे 8 का ब्लॉग नहीं आ पाया था, खाली डे 9 का, मतलब मैं आज बना रहा एकदम आखिरी दिन का। आप सब जानते ही हो कि कल बप्पा का विसर्जन है, तो आज का जो दिन है मैं पूरा धारावी में मतलब ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा धारावी में बप्पा की मूर्ति कवर करने की। और देखो मेरे साथ में मेरे भैया है, अमन है और सूरज है। सभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते आगे की तरफ और यहाँ पे बप्पा की मूर्ति देखते। मैं आज मतलब ज़्यादा बात नहीं होगी, खाली मैं आप सबको बप्पा की प्यारी प्यारी मूर्ति दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग जितनी मूर्ति देखेंगे वो दिखाऊंगा, उसके हम लोग जो नेक्स्ट लोकेशन पे आएंगे मैं सब आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो आज से जब तक कंटिन्यू वीडियो बने रहिए और साथ में बोलिए गणपति बप्पा बोलिया। और सबसे पहले देखिए जैसे मतलब धारावी के अंदर एंट्री मारते हैं हमारे सामने यहाँ पर राजकमल सार्वजनिक गणेश उत्सव मित्र मंडल और बप्पा की मूर्ति राम जी के अवतार में हाथ में बाण और तीर लिए हुए है। ये देखिए बराबर हमारे सामने बप्पा की मूर्ति है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए हमारे सामने गणपति बप्पा की कितनी बड़ी मूर्ति, एकदम विशाल सी, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए देखिए गणपति बप्पा को राम जी के अवतार में बनाए गए। और कितनी ही प्यारी लग रही है गणपति बप्पा की मूर्ति, आप सब देख सकते हो। यह राजकमल में है धारावी। और आगे देखिए आगे और दो प्यारी प्यारी बप्पा की मूर्ति रखी गई है। तब ये मूर्ति देखिए तो खाली एक ही शब्द निकल रहा है मुंह से, जय श्री राम। जो इस वक्त देखिए हमारे सामने बप्पा की मूर्ति है और यहाँ के मंडल के देखिए अभी इस वक्त हमारे साथ में कार्यकर्ता भाई और सेक्रेटरी भाई इस वक्त हमारे साथ में खड़े हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार दादा, बोला अपना मंडल कितने सालों से यहाँ पर बप्पा की मूर्ति स्थापित हो रही है? बावनवा साल है। अच्छा अच्छा। और बप्पा की मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ। मतलब आप लोग हर बार ऐसा यूनिक डिजाइन ही रखते हो? हाँ, ऐसा यूनिक डिजाइन है हमारा जी। बहुत प्यारी लग रही है मूर्ति। हाँ। राम जी के अवतार में। हाँ। और मूर्तिकार कौन है अपने बप्पा की मूर्ति के? अरुण दत्ते करके है। अरुण दत्ते। हाँ, लालबाग के रहने वाले हैं। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। चले गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और अभी हमारे राजकमल में बप्पा के दर्शन हो चुके हैं और आप सबने बप्पा की मूर्ति दिखाई थी, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो अभी हमारे साथ में जो कार्यकर्ता भाई लोग खड़े थे अभी उनमें से ही एक भाई के घर पर बप्पा की बहुत ही प्यारी मूर्ति बिठाई गई है। तो अभी हम लोग देखिए जा रहे हो भाई के घर पर बप्पा की मूर्ति देखने के लिए। मैं भी देखता हूँ और आप सबको बप्पा की मूर्ति दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर भाई के बिल्डिंग के नीचे। अभी जाते हैं अंदर बप्पा की मूर्ति देखते हैं। यहाँ से देखिए हमारी एंट्री भाई के घर में, आपको सामने बप्पा का मंडप दिखता रहेगा और आप देखिए कि बप्पा की मूर्ति कितनी ही प्यारी लग रही है। और पीछे देखिए नरसिम्हा अवतार और साथ में बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है। सभी आप सब ने देखा कि भाई के घर पे बप्पा की मूर्ति कितनी ही प्यारी थी और नरसिम्हा देव जी के अवतार में मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जैसे हम लोग भाई के गणपति दर्शन करके हम बाहर आते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे सामने श्री विनायक मोरेश्वर मित्र मंडल। यहाँ से अंदर जाने पे देखिए अभी सामने बप्पा का मंडप है। यहाँ पे देखिए बैनर श्री विनायक मोरेश्वर मित्र मंडल। यहाँ पे बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हुए पूरे 24 वर्ष हो चुके हैं।
जैसे सामने देखिए पूरा अंदर गली में डेकोरेशन किया गया है और सामने बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति, और यहाँ पे देखिए बप्पा की मूर्ति इतनी ज़्यादा प्यारी है कि मतलब किसी के भी देख के एकदम आँखें खुल जाए। यहाँ पे देखिए बजरंग बली जी ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं और बजरंग बली जी के गधे के ऊपर गणपति बप्पा को देखिए श्री राम भगवान के अवतार में बनाए गए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मंगल मूर्ति। बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बोल बजरंग बली की जय। पब्लिक श्री विनायक मुरीश्वर मित्र मंडल में आप सब ने देखा कि बप्पा की मूर्ति कितनी ज़्यादा सुंदर बनाई गई थी। सभी यहाँ पर बप्पा के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे दूसरे मंडल की तरफ और दूसरे बप्पा की मूर्ति देखने के लिए। यहाँ से देखिए दादा हम लोग को मतलब पूरा गली घुमा रहे बप्पा की मूर्ति अच्छी अच्छी दिखाने के लिए, और मेरे साथ में पीछे अमन भैया अमन सूरज लोग को यहाँ छोड़ देंगे ना तो हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम आए इसके लिए हम लोग को थोड़ा भटक जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आप सब बने रहो, माथों को बप्पा की मूर्ति दिखाता हूँ। और ये देखिए इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं धारावी चा मोरिया बप्पा की मूर्ति के पास, और बप्पा की मूर्ति देखिए एकदम ऊपर ऐसा मतलब बनाई गई है, और ये किनके ऊपर मैं आप सबको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए श्री बजरंग बली जी ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं, और बजरंग बली जी जिनके ऊपर बैठे हुए देखिए नीचे श्री राम सेतु का पत्थर जिसके ऊपर देखिए जय श्री राम लिखा हुआ है, और उनके ऊपर बजरंग बली जी ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, और उनके पूंछ के ऊपर देखिए गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई गई है। कितना ही मतलब अविश्वसनीय दृश्य लग रहा है आप यहाँ पर आप सब देख सकते हो, और आप सब खुद सोचे कि बप्पा की मूर्ति को इन गलियों से मतलब कैसे लेके आए रहेंगे। ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। तो आप सब भी साथ में बोलिए जय श्री राम। अब तक मैंने यहाँ पर तीन बप्पा की मूर्ति देखी और तीनों बप्पा की मूर्ति श्री राम भगवान जी के अवतार में बनाई गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगली मूर्ति भी हमें श्री राम भगवान जी के अवतार में देखने के लिए मिलेगी। आप सबको क्या लग रहा है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और गणपति बप्पा मोरिया लिखते हुए जाइए। और देखिए यहीं से बराबर हमें सामने बप्पा का एक और मंडल देखने के लिए मिल जाता है, जय भवानी मित्र मंडल। अभी चलिए इनके अंदर हम लोग बप्पा की मूर्ति देखते हैं, और यहाँ पे देखिए बप्पा की मूर्ति कितनी प्यारी बनाई गई है, और बप्पा के पीछे प्रभाल पे सरस्वती माँ देखिए विराजमान किए गए हैं, हाथ में वीणा लिए हुए। मंगल मूर्ति उंदीर मामा के विजय सो जय श्री राम। और अभी आप सब ने जो प्यारे प्यारे बच्चे लोग को देखा वो लोग जय भवानी मित्र मंडल के बच्चे लोग थे, तो अभी यहाँ पर भी आप सब ने देखा कि बप्पा की मूर्ति कितनी सुंदर और प्यारी बनाई गई थी। तो अभी चलिए हम लोग बप्पा के दर्शन करके बढ़ चुके आगे की तरफ, और अभी आगे हम लोग को कौन से बप्पा की मूर्ति देखने के लिए मिलती है मैं आप सबको बताता हूँ। और पब्लिक यहाँ पे जैसे हम लोग अगले बप्पा के दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो अभी धीरे धीरे मतलब पूरा मौसम भी खराब हो चुका है, और ऐसा भी लग रहा है कि बारिश भी होने वाली है, लेकिन बारिश होने के पहले ही यहाँ पे जो हम लोग पहुँच चुके हैं धारावी का सुबह करता बप्पा की मूर्ति के दर्शन करने के लिए, जिनका आगमन 15 अगस्त को था, और बप्पा के आगमन का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है। अगर अब तक आप सबने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। यहाँ पे देखो इस वक्त हमारे सामने पूरा बैनर लगाया गया है ये राइट हैंड साइड में, और यहाँ से बराबर बप्पा की मूर्ति हमारे सामने ये देखो आप सब यहाँ पे देख सकते हो धारावी का सुबह करता बप्पा की एकदम प्यारी सी और एकदम बड़ी सी मूर्ति। ये देखिए ये पूरा मेरे फोन में कवर नहीं हो पाएगा, आप सब देख सकते हो बप्पा की मूर्ति कितनी ही विशाल है। यहाँ पे देखो छोटी बप्पा की मूर्ति शंख के ऊपर विराजमान है, और बप्पा के पीछे 5 शेषनाग, और जो पीछे है बप्पा की इतनी बड़ी सी मूर्ति दिख रही है, देखिए हंस के ऊपर बप्पा की मूर्ति विराजमान है, और बप्पा के पीछे प्रभाल पे हमें जलपरी देखने के लिए मिल जाती है धारावी का सुखो करता। और पब्लिक धारावी का सुखो करता बप्पा के दर्शन करने के समय यहाँ पे देखो अपने एक भाई मिल गए, भाई हमेशा हम लोग के मतलब हमारे वीडियोस देखते हैं ऐसा भाई ने बोला, तो अभी भाई से सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो फिलहाल में यहाँ पर जितनी भी गणपति बप्पा की मूर्ति है हम लोग को भाई दर्शन करवाएंगे, तो चलिए हम लोग धारावी का सुखो करता बप्पा के दर्शन करने के बाद अभी इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं धारावी का गजवक्र बप्पा की मूर्ति देखने के लिए। बराबर हम लोग जिस गली में बप्पा का मंडप बनाया गया है हम लोग उसी गली में खड़े हैं, तभी यहाँ से हमारे सामने ही मंडप है। आइए मैं आपको बप्पा की एकदम प्यारी सी और एकदम बड़ी सी मूर्ति दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं
धारावी चा गजवाकर बप्पा के मूर्ति के बराबर सामने, और बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही बड़ी है, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए। और इस वक्त हम लोग धारावी चा गजवाकर बप्पा के दर्शन करके आगे बढ़ चुके हैं, और वो अपने दो भाई लोग के साथ में हम लोग जा रहे हैं आगे बप्पा की दूसरी मूर्ति देखने के लिए। तो आप सब भी कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और साथ में बोलिए गणपति बप्पा। जब लोग धारावी में बप्पा के दर्शन करने के लिए निकले तो यहाँ पे देखो ये बारिश भी चालू हो चुकी है। मैंने आप सबको बोला था मौसम पूरा खराब हो चुका है, तभी देखो हम लोग भीगते हुए सभी बप्पा के दर्शन करेंगे और आप सबको बप्पा के दर्शन करवाऊंगा। और देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं धारावी चा कृपा कर बप्पा की मूर्ति के बराबर सामने। यहाँ पे देखिए बप्पा की मूर्ति कितनी ही विशाल है और कितना ही प्यारे लग रहे बप्पा, देखो हाथ में कमल लिए हुए, और बप्पा के पीछे प्रभाल भी बहुत प्यारा बनाया गया है। एक हाथ में बप्पा के शस्त्र है और यह बप्पा की मूर्ति धारावी चा कृपा करे। और पब्लिक अभी हम लोग मार्केट के थ्रू यहाँ पर आ चुके देखो रोड पे, और रोड के ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पर बराबर सामने एकदम बड़ा सा मंडप दिख रहा है, और यहाँ पे जो बप्पा की मूर्ति विराजमान है उनका नाम है धारावी चा गणराज। ये भी अभी यहाँ से बराबर मेरे सामने भी मंडप है बप्पा का। तो अभी आइए प्यारे से बप्पा के यहाँ पे दर्शन करते हैं। बाल मित्र मंडल देखिए ऊपर लिखा गया है धारावी चा गणराज। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग अंदर आते हैं यहाँ पे हमें सामने बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति देखने के लिए मिलती है, और यह बप्पा की मूर्ति पूरी देखिए एकदम खड़ी की गई है प्यारी सी, और इनके जस्ट पीछे हाथ में देखिए दोनों हाथ से बप्पा को ऐसा दिखाया गया कि बप्पा तबला बजा रहे हैं, और बप्पा एकदम प्यारी सी मूर्ति देखिए पीछे प्रभाल पर सरस्वती माँ वीणा बजाते हुए ऐसा दिखाया गया प्रभाल के ऊपर देखिए। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। और पब्लिक वहाँ पे धारावी चा गजवाकर बप्पा के दर्शन करने के बाद देखिए इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें गणपति बप्पा की मूर्ति देखने के लिए मिलती है, और गणपति बप्पा की मूर्ति कितनी ही प्यारी आप सब देखिए। यहाँ पर देखिए गणपति बप्पा की मूर्ति हमें काल भैरव जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है, हाथ में तलवार धारण किए बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। श्री काल भैरव जी के अवतार में यहाँ पे देखिए गणपति बप्पा को बनाया गया है, एकदम अविश्वसनीय मूर्ति देखिए यहाँ पर, और आगे बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति रखी गई है जिनके पीछे प्रभाल पे हमें 5 शेषनाग देखने के लिए मिलते हैं। और पब्लिक यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज होने लगी है, आज सब देख सकते कि मैं कब से भीग रहा हूँ, और मैंने जो मेरे माथे पर टीका लगाया था देखिए था पूरा बह चुका है, तो वो टीका इतना गाढ़ा था ना उसका पूरा देखिए अभी मतलब कलर लगा हुआ है पूरा ब्लड वाली फीलिंग आ रही है ब्लड वाली, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है जब ऐसा टीका मेरे से मतलब चेहरे पे से होते हुए गुजरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोग अभी फिर आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे आने के बाद ही हमें बाल गणपति मित्र मंडल में देखिए हमें पप्पा की मूर्ति देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर देखिए हमें बप्पा की मूर्ति विष्णु जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है, यह बप्पा की प्यारी सी मूर्ति आगे रखी गई है, और इनके जस्ट पीछे देखिए बप्पा की इतनी बड़ी जो मूर्ति हमें देखने के लिए मिल रही है। बप्पा का अवतार यहाँ पे कार्तिकेय भगवान के अवतार में बनाए गए, देखिए कितनी ही प्यारी बप्पा की मूर्ति लग रही है सर पर फेटा बांधे हुए। और यह बप्पा की मूर्ति तमिलनाडु तिरुनेलवेली राजा बप्पा की मूर्ति है, ये जब भी आपके सामने आप एकदम प्यारी सी मूर्ति देखने के लिए मिल रही है। और पब्लिक यहाँ पे हमें बहुत ही प्यारी प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति देखने के लिए मिल रही है, और इस वक्त देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर देखिए हमारे सामने जॉली फ्रेंड्स सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल देखिए, और यहाँ पे देखिए बप्पा की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा विशाल है नीचे देखिए, और नीचे जैसे जैसे हमारी नज़र ऊपर जाती है नज़र ऊपर ही चले जाती है, मतलब इतना ऊपर हमें मुंडी करके बप्पा की मूर्ति को देखना पड़ता है। और यहाँ पर भी बप्पा की मूर्ति हमें कार्तिकेय भगवान जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है, देखिए कितनी ही प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति लग रही है। और जो अगल बगल में हमें प्रभाल देखने के लिए मिल रहा है बप्पा का वो पूरा देखिए मतलब गोल्डन कलर में ही बनाया गया है, और बप्पा की मूर्ति सचमुच बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और यहाँ पे आगे हमें दो बप्पा के और प्यारे प्यारे मूर्ति देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे हंस के ऊपर बप्पा की मूर्ति विराजमान है, और यहाँ पे आगे एक और बप्पा की प्यारी सी मूर्ति, और इस साइड में मूषक राज्य देखिए हाथ में मोदक लिए हुए। और पब्लिक अभी आज सबने देखा बप्पा की मूर्ति,
और वो बप्पा की मूर्ति के दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं आगे भाई लोग के साथ में सूरज सर है। और जस्ट थोड़ा सा ही आगे आने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं धाराजी का गंगराज बप्पा की मूर्ति के बराबर सामने है। और यहाँ पे बप्पा की मूर्ति देखिए खंडोबा भगवान के अवतार में यहाँ पर बनाई गई है। और नीचे साथ में दो सैनिक थे गंगा जी बप्पा थे और बप्पा की मूर्ति घोड़े के ऊपर विराजमान है। यहाँ पे देखिए बराबर हमारे सामने मंडप है के सामने बप्पा की मूर्ति श्री खंडोबा भगवान के अवतार में घोड़े के ऊपर विराजमान और साथ में दो सैनिक भी देखिए ना यहाँ पे घोड़े के पैर के यहाँ पर दो सैनिक है और उनके ऊपर इतनी प्यारी सी गणपति बप्पा की मूर्ति आप सब देख सकते हो धारावी का गणराज। और अभी आपने गणपति बप्पा की मूर्ति देखी कि मतलब कितना ही प्यारा दृश्य लग रहा था बप्पा का कि बप्पा की मूर्ति घोड़े के ऊपर विराजमान थी श्री खंडोबा जी के अवतार में। तो अभी वहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं आगे और अभी धीरे धीरे बारिश कम ज़्यादा हो रही है लेकिन इस बारिश में भीग के गणपति बप्पा के दर्शन करने का अलग ही मज़ा आ रहा है। और चलिए अभी तो मैं बहुत सारे गणपति बप्पा के दर्शन में खुद करूँगा और आज सबको भी करवाता हूँ। जब तक आज सब भी साथ में बोलिए गणपति बप्पा बोलिया। और यहाँ पर अगले बप्पा के दर्शन करने के पहले देखो हम लोग सब लोग यहाँ पे रुके हुए वड़ा पाव हमारा कैसा लग रहा है वड़ा पाव इतनी बारिश में मजा आ रही कि नहीं खाने में भी और हाथ में दिखाओ मिर्ची मिर्ची जरूरी है मतलब हर एक वड़ा पाव के साथ एकदम करारे बारिश में अभी तो बारिश वैसे रुक चुकी है। वड़ा पाव चार मिर्ची एकदम गरम गरम ही वड़ा पाव निकला एक ही DVS सेवा मंडल धारावी चा मनाचा राजा 2023 यहाँ से बराबर सामने देखो पप्पा का मंडप है। और पब्लिक यहाँ से सामने देखो हमें बप्पा की मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है धारावी चा मनाचा राजा और बप्पा के पीछे प्रभाल थे श्री तिरुपति बालाजी का प्रभाल बनाया गया देखिए। और बप्पा की मूर्ति कितनी ही प्यारी लग रही है हाथ में धनुष बाण लिए हुए आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। और बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही विशाल है एकदम प्यारी सी। और यहाँ का मंडप का डेकोरेशन देखो पूरा ऊपर से ऐसा डेकोरेशन किया गया है। और पब्लिक यहीं पर धारावी चा मनाचा राजा बप्पा के जस्ट मंडप के बाजू में हमें देखिए श्री बजरंगबली जी का मंदिर देखने के लिए मिल जाता है। आप सब जब भी यहाँ पर आइए तो बजरंगबली जी को नमन करते हुए यहाँ से आगे की तरफ बढ़िए। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे गली में और अभी नेक्स्ट हम लोग बप्पा के दर्शन करेंगे। मैं आप सबको बप्पा की प्यारी सी मूर्ति दिखाता हूँ। और जो मंदिर से अभी साइड में आने का मैंने आपको रास्ता दिखाया वहाँ पर जाने के पहले हमें देखिए यहाँ पर श्री गणेश मित्र मंडल यहाँ पर भी देखिए बप्पा का पंडाल बनाया गया और अंदर जाने पर हमें बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति देखने के लिए मिलती है। और यहाँ से बप्पा की मूर्ति देखो कितनी ही प्यारी लग रही है बप्पा के एक हाथ में त्रिशूल है और बप्पा के कुछ हाथों में शस्त्र भी है। और बप्पा की मूर्ति देखिए मोर के ऊपर विराजमान है और पीछे बप्पा का प्रभाल मोर के पंखों द्वारा मतलब ऐसा बनाया गया है प्रभाल में ऐसा दिखाया जा रहा है। बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही प्यारी लग रही है श्री गणेश मित्र मंडल। और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं शिवनेरी युवक मंडल में बप्पा के दर्शन करने के लिए। ये देखिए हमारे सामने बप्पा का मंडप और इनके अंदर बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस वक्त हमारे सामने धारावी चा लंबोदर बप्पा की मूर्ति विराजमान की गई है। देखिए बप्पा की मूर्ति कितनी ही प्यारी और कितनी ही विशाल है। और यहाँ पर बप्पा के आगे देखिए बहुत सारे गणपति बप्पा की प्यारी प्यारी मूर्ति रखी गई है। यहाँ पर देखिए एक मूर्ति यह दूसरी मूर्ति इनके ही पीछे तीसरी मूर्ति यहाँ आगे चौथी इस साइड में पांचवी और इस साइड में छठवीं और इस साइड में सातवीं मूर्ति मतलब यहाँ पर टोटल धारावी चा लंबोदर बप्पा के आगे यहाँ पर सात बप्पा की और प्यारी प्यारी मूर्ति विराजमान की गई है। और यहाँ पर मूषक राज जी देखिए नमन किए हुए और धारावी चा लंबोदर बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं ककैया सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये देखिए यहाँ से हमारे सामने बराबर बप्पा की मूर्ति और यहाँ से बप्पा की मूर्ति देखिए एकदम प्यारी सी बप्पा के एक हाथ में गदा और यहाँ पे पीछे प्रभाल देखिए कितना ही प्यारा सा लग रहा है एकदम प्यारी सी गणपति बप्पा की मूर्ति ककैया समाज। पब्लिक देखिए इस वक्त हमारे सामने बराबर धारावी चा वरद विनायक बप्पा की मूर्ति है विष्णु जी के अवतार में। देखिए बप्पा की मूर्ति
और पप्पा के पीछे प्रभाल पे हमें 7 श्रेष्ठ नाग एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। और नीचे देखिए हमें विष्णु भगवान के 10 अवतार दिखाए गए हैं। आइए मैं आपको पप्पा की मूर्ति पास से दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए पूरा मतलब चंद्रयान 3 का डेकोरेशन किया गया है। वहाँ पे देखिए हमारा विमान उड़ते हुए दिखाया गया। चलिए पप्पा की मूर्ति एक बार नजदीक से देखते हैं। यहाँ पर ऊपर बालकनी बनाए गए हैं। यहाँ बालकनी से हमें पप्पा की मूर्ति एकदम दूर से देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सामने आप सब देख सकते हो धारावीचा वरद विनायक। मूर्तिकार इनके हैं सिद्धेश दिघोले जी। और यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान का 10 अवतार जो मैंने भी आप सबको ऊपर से दिखाया था। और चंद्रयान 3 का डिजाइन। और साथ ही साथ यहाँ पे पप्पा की मूर्ति देखिए पृथ्वी के ऊपर विराजमान है श्री विष्णु जी के अवतार में, हाथ में गदा लिए हुए। देखिए कितनी ही प्यारी मूर्ति लग रही है गणपति बप्पा की, पीछे 7 शेषनाग के साथ में। और इस वक्त यहाँ पे देखिए पूजा चालू है। और पब्लिक आप सब ने धारावीचा वरद विनायक बप्पा की मूर्ति देखी कि बप्पा की मूर्ति कितनी ज्यादा प्यारी थी। तभी चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और फिर से बप्पा की मूर्ति के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे बारिश एक बार फिर से चालू हो चुकी है, लगभग पिछले 10 से 15 दिन से बारिश हो चुकी थी। क्या बोलते भाई लोग, देखते हो? थैंक यू सो मच भाई आप लोग का साथ। बाकी क्या बोले सर, मजे में? मस्त मस्त भाई, एकदम बड़े। चलो मिलते हैं, जय श्री राम। और धारावीचा वरद विनायक बप्पा की मूर्ति बाल गोपाल मित्र मंडल में विराजमान की जाती है। और जैसे हम वहाँ से बाहर आते हैं लत मारने पे, थोड़ा सा आगे जाने पर ही हमें बप्पा का एक और मंडप दिखता है, धारावीचा सम्राट। यहाँ पे बप्पा की मूर्ति है, देखिए यहाँ पर सामने क्रांति सेवा क्रीड़ा मंडल धारावीचा सम्राट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इस गली से अंदर जाने पर बप्पा की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी। तो आइए बप्पा की प्यारी सी मूर्ति देखते हैं और आप सबको भी दर्शन करवा दें। यहाँ पे देखिए मंडप बप्पा का धारावीचा सम्राट। और देखिए इस वक्त हमारे सामने धारावीचा सम्राट बप्पा की एकदम भव्य सी प्यारी सी और सुंदर सी मूर्ति देखिए। मतलब जितने शब्द बोले उतने शब्द कम है यहाँ पर। बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, धारावीचा सम्राट। और पीछे प्रभाल कितना खूबसूरत बनाया गया आप सब देख सकते हो, एकदम प्यारी सी मूर्ति। पूरा ऐसा लग रहा है हमारे सामने मतलब एकदम रियल में ऐसे पप्पा बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आगे देखिए पप्पा की एकदम बाल गोपाल में। पब्लिक यहाँ से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इस वक्त हमारे सामने 11 एविल्स क्रिकेट क्लब, इनके अंदर जो पप्पा की मूर्ति बिठाई जाती है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा गया सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल भूताचा गणपति पेश करत आए माँ बाप। यहाँ पे देखिए जैसे हम दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद देखिए पप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति इस वक्त हमारे सामने है, देव माजा पर्यावरण का राजा। यहाँ पे आगे देखिए महादेव जी और पार्वती जी की यहाँ पर मतलब प्रतिमा लगाई गई है। और पीछे गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति। पीछे प्रभाव में भी हमें महादेव जी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पार्वती जी देखने के लिए मिल जाती है। देखिए ऊपर पीछे त्रिशूल भी है। और गणपति बप्पा की मूर्ति कितनी प्यारी आप सब देखिए। और इस टीवी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर शाम में 7 बजे से माँ और पिताजी के ऊपर से कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए केदारनाथ धाम यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ का पूरा डेकोरेशन देखो। और ये जो बप्पा की मूर्ति इस वक्त हमारे सामने है, ये पूरा हाथों से मतलब बप्पा की मूर्ति को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए हमें साइड में लिखा हुआ मिल जाता है, खास आकर्षण गवत व शाड़ू माती सी गणपति बप्पा की मूर्ति। और यहाँ पे देखिए बैनर में सब फोटो दिखाए गए बप्पा की मूर्ति के तैयार होते समय। और पब्लिक ये जो भी मैंने आप सबको 11 एविल्स स्पोर्ट्स क्लब जो मैंने आप सबको दिखाया, वहाँ के मतलब जगह का फेमस नाम ही वहाँ पर है भूत बंगला। और वहाँ पर अंदर अलग कार्यक्रम दिखाया जाता है स्कूल के अंदर भूत बंगले का। लेकिन जो मैंने आप सबको पप्पा की मूर्ति दिखाया उनके जस्ट बाजू में हमें माँ बाप के ऊपर से एक बहुत ही प्यारी यहाँ पर डेली कहानी होती है शाम में 7 बजे। और पब्लिक इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हराड़ेचा राजा पप्पा की मूर्ति देखने के लिए। मैं आप सबको बताता हूँ कि पप्पा की मूर्ति देखो इस गली से कैसे लेके जाते रहेंगे। बप्पा की मूर्ति बहुत ही विशाल है, आप सब देखिए कि मतलब गली का साइज कितना छोटा है यहाँ से लेकर पूरा सामने तक। और हमारे बराबर सामने हराड़े सेवा संघ है। अभी मैं आपको बप्पा की मूर्ति दिखाता हूँ, आप सब खुद देखिए कि मतलब इतनी बड़ी मूर्ति पब्लिक कैसा गली के अंदर से घुमाती रहेगी। यहाँ पे देखिए एकदम ऐसा छोटा जैसा है जगह, बहुत ही कम गैप है यहाँ पर। और सामने हमें देखिए यहाँ पर हराड़ेचा राजा बप्पा का बैनर देखने के लिए मिलता है। और बप्पा की मूर्ति यहाँ पर पिछले 79 वर्षों से मतलब 79 वर्षों से यहाँ पर बप्पा की स्थापना की जा रही है। पब्लिक ये देखिए यह बप्पा की मूर्ति कितनी ही विशाल है, आप सब बप्पा के प्रभाल का साइज़
और पप्पा जिस गद्दी पे विराजमान है आप सब उनका साइज देख सकते हो। इतना सा मतलब साइज देख के आप सब खुद अनुमान लगाइए कि पप्पा की इतनी विशाल मूर्ति उतनी छोटी गली से पब्लिक कैसा लेकर आती रहेगी। यह कोई आसान बात नहीं है। देखिए हराड़े 4000 इस वक्त पप्पा की मूर्ति हमारे सामने है और पीछे प्रभाली बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर और पब्लिक अभी आप सब ने देखा कि मैंने आपको पप्पा की मूर्ति दिखाई कितनी ही विशाल मूर्ति थी और यहाँ के लोग मतलब पब्लिक कैसा छोटी से गली में से पप्पा की मूर्ति को लेके आते रहेंगे आप सब खुद एक बार सोचिए। यहाँ पे देखिए पप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति चांद के टुकड़े के ऊपर विराजमान और पीछे मंडप का डेकोरेशन आप सब देख सकते हो कितना प्यारा किया गया विघ्नेश भाई द्वारा। सो पब्लिक अभी इसी के साथ में पूरा धारावी का सफर हम लोग को निखिल भाई और विघ्नेश भाई ने करवा दिया है तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर धारावी में घूम के। आपने जितने भी गणपति बप्पा की मूर्ति देखी और उन्होंने सभी गणपति बप्पा के दर्शन के जितना पॉसिबल हो सका और बीच में एक्चुअली बारिश चालू हुई थी मैंने आप सबको बताया भी था तो बहुत ही ज़्यादा लेट होने की वजह से यहाँ पे रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी तो मतलब शाम हो रही धीरे धीरे रात होने जा रही है तो भाई लोग को लेट होगा इसके लिए अभी हम लोग बोले भाई बस कीजिए। तो अभी चलिए भाई धन्यवाद आप लोग का आप लोग घुमाया। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। चलिए बाय बाय बिल्कुल भाई। तो चलो पब्लिक हम लोग यहाँ से बढ़ रहे आगे घाटकोपर ईस्ट की तरफ। वहाँ पर हमें दत्तगुरु मित्र मंडल द्वारा इनविटेशन आया था तो हम लोग वहाँ पे आते बप्पा के दर्शन करते और वहाँ पर जो थीम बनाया गया है बप्पा के मंडप के आसपास वो भी मैं आप सबको दिखाता हूँ। जब तक के लिए आप सब भी साथ में बोलिए गणपति बप्पा। ये देखिए पब्लिक इस वक्त हमारे सामने घाटकोपर ईस्ट में जुगनू का मोरिया देखिए बप्पा की मूर्ति यहाँ पर हमारे सामने है और बहुत ही मस्त प्रभाव में बनाया गया। देखिए बप्पा के हाथ में लिखा हुआ है जुगनू शाह मोरिया और बप्पा की मूर्ति देखिए कितनी ही बड़ी और कितनी ही विशाल है। एकदम प्यारी सी सुंदर सी बप्पा की मूर्ति हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए और यहाँ पे कब से कंटिन्यू बाहर बारिश चालू है। देखो हम लोग अभी भीगते भीगते हैं ये हेलमेट लगाए अमन भैया सब पब्लिक। ये देखिए यहाँ से हमारी एंट्री होती है अंदर जहाँ पे पप्पा की मूर्ति विराजमान की गई है। यहाँ पे अंदर आने पे देखिए हमें आज साइड बैनर दिख जाता है दत्त गुरु मित्र मंडल सार्वजनिक श्री गणेश उत्सव। यहाँ पे देखिए शिव छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा रखी गई है और यहीं से प्यारे गणपति बप्पा की मूर्ति देखिए और इनके पीछे दत्त गुरु चा राजा बप्पा की मूर्ति आप सब देख सकते हो। और जो मैंने अभी आप सबको बताया यहाँ पे केदारनाथ धाम पूरा यहाँ पे डेकोरेशन किया गया देखिए जय श्री केदार पूरा यहाँ पे केदारनाथ मंदिर से यहाँ पे दृश्य बनाया गया देखिए। सो पब्लिक देखिए इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर दत्त गुरु मित्र मंडल के कार्यकारी सदस्य और अध्यक्ष जी और खजींदार जी सब लोग यहाँ पर मौजूद है। तो आइए अभी अध्यक्ष जी से थोड़ा जानते हैं यहाँ पर मंडल के बारे में। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार बोला था यहाँ पे पप्पा की मूर्ति कितने सालों से स्थापना की जा रही है। क्रीडा आणि सामाजिक या सर्व क्षेत्रात हे मंडळ अग्रेसर असतं आणि समाजोपयोगी कार्यक्रम घेण्यामध्ये हे मंडळ उपयोगी पडत असतं आणि ही जी बाह्य सजावट आपण बघतोय की केदारनाथ धाम आपण बनवलेला आहे आमच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी जे स्वतः मेहनत करून अवरत्र हे करून त्यांनी प्रयत्नाने हा बनवलेला आहे इथे आम्ही केदारनाथ धाम दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि बाप्पाची पुढे कशी मूर्ती इथे आपण स्थापन केली आहे। जी धन्यवाद बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति दत्त गुरु शाह राजा चा। सो पब्लिक यहाँ पर हमें दत्त गुरु मित्र मंडल में इनवाइट करने वाले हमारे देखिए अतर भाई इस वक्त हमारे साथ में है
इन्होंने हमें इनवाइट किया, तो इसके लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें पप्पा के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। और इतना प्यारा जो यहाँ पर श्री केदारनाथ मंदिर जो बनाया गया है, इतना अच्छा डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है, अच्छा भाई कैसे हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो चलिए अभी यहाँ पे हमारे पप्पा के दर्शन करके हो चुके हैं, अगर हम यहाँ से बढ़ते आगे और रात 4:30 आज पप्पा की मूर्ति देखते हैं। सब साथ में बोलिए गणपति अप्पा मंगल मूर्ति। आप सब देख सकते हो इस वक्त हम लोग खड़े हैं ब्रास साड़ी चल रहे हैं पानी मूर्ति के पास, और पूरा इतना बारिश है, रिक्ते रिक्ते बात सबको कब से बता रहा हूँ, मतलब चल रहा है हालत खराब हो गई है। यहाँ पे सूरज और अमन देखो साइड में खड़े हैं, और हमारे पीछे देखो ब्रास साड़ी चल रहा है पानी मूर्ति है। चलिए आप सब चले बात सबको एकदम प्यारी से मूर्ति दिखाता हूँ, आइए ये देखिए यहाँ पर अभी देखिए आखिरी दिन होने के यहाँ पे देखो गर्दी कितनी ज्यादा है, और यहाँ पे आप सब देख सकते हो पप्पा की एकदम प्यारी सी मूर्ति, और ऐसे आप सब ऊपर से देख सकते हो पप्पा की मूर्ति, ये देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है पप्पा की मूर्ति एकदम विशाल सी। यहाँ पर देखिए पूजा भी की जा रही है, हाथ में मोदक लिए हुए देखिए पप्पा विराजमान है, और यहाँ से भी देखिए सब लोग आरती का इंतजार कर रहे हैं, आज 90वें दिन की आखिरी आरती, उसके बाद कल पप्पा का विसर्जन ब्रासाड़ी से राजा घाट को प्रवेश। तो पूरा मंडप का डेकोरेशन पूरा पीओपी से किया गया है, ऊपर देखिए हमें एकता मित्र मंडल लिखा हुआ दिख जाता है, और ऐसे हमारे सामने ब्रासाड़ी चल रहा है पप्पा की मूर्ति। गणपति अप्पा पब्लिक, अभी एकदम आखिरी में ब्रासाड़ी चल रहा है पप्पा के दर्शन करने के बाद। देखो मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरे एरिया में जहाँ पे पप्पा की मूर्ति विराजमान होती है, उस मंडप में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और ऐसे अभी बराबर मेरे पीछे गांव देवीचा राजा पप्पा की मूर्ति है। तो आइए मैं आप सबको गांव देवीचा राजा पप्पा के दर्शन करवाता हूँ, ये देखिए यहाँ से बराबर हमारे सामने पप्पा की मूर्ति, यहाँ पर आगे देखिए कितनी प्यारी सी पप्पा की मूर्ति रखी गई है, और यहाँ पर पूरा पप्पा के आगे इतना सारा नारियल, और पीछे आप सब पप्पा की मूर्ति देख सकते हो गांव देवीचा राजा, और पीछे आप सब देख सकते हो गांव देवीचा राजा पप्पा की मूर्ति कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, और पप्पा के पीछे प्रभाल पे चंद्रमा बनाए गए, और चंद्रमा के आसपास पूरी देखो लाइटिंग कैसा पूरा ऐसा राउंड में किया गया, और यहाँ पे पूरा मंडप का डेकोरेशन चंद्रयान 3 कैसा किया गया, ऊपर देखिए सभी ग्रह दिखाने की कोशिश की गई है, यह पूरा मंडप का डेकोरेशन है, ये देखो पप्पा की मूर्ति। और पब्लिक अभी से थोड़े ही देर पहले यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई है, यहाँ से देखिए पप्पा की मूर्ति, और आगे हमारे प्यारे कान्हा जी हाथ में बांसुरी लिए हुए, और इस साइड में देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग बैठ के प्रसाद बांट रहे हैं, यहाँ पे देखो सब बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद, यहाँ पे तीर्थ देखिए और ये जो आप कब से सुन रहे हो माइक में बोलते हुए विभागातील सर्व रहिवाशांना विनंती आहे भंडाऱ्याला सुरुवात झालेली आहे तरी सर्वांनी भंडाऱ्याचा लाभ घ्यायचा आहे। ये हमारे बाबू भाई है सेक्रेटरी प्रदीप चौगुले जी, दादा नमस्कार। बोला था यहाँ पे पप्पा की मूर्ति कितने सालों से स्थापना की जा रही है? ये अपना 47वां साल है, 47 साल के बाद हम लोग 50वां साल मनाएंगे, और 50वां साल हम लोग धूमधाम से मनाने वाले हैं जी, बिल्कुल। वेट फॉर 50 इयर्स, 50 इयर्स, थैंक यू गणपति अप्पा। और पब्लिक आज यहाँ पर गांव देवीचा राजा मंडप के यहाँ पर आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है, ये देखिए ये हमारी पूरी दोस्त लोग की टीम, गणपति अप्पा जय। सो पब्लिक देखिए इस वक्त मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे इस वक्त हमारे गांव देवीचा राजा पप्पा का मतलब आज भंडारा खिलाया जा रहा है महाप्रसाद, मेरे पीछे महाप्रसाद मतलब पूरा चालू हो चुका है, और अभी मैंने आपको जिनसे बात करवाया वो घाटकोपर मतलब वर्ल्ड क्रमांक 126 के युवा मोर्चा अध्यक्ष है, उनका नाम था प्रदीप चौगुले जी, उनको हम लोग मतलब प्यार से सब यहाँ पर बाबू भाई बुलाते हैं,
और वो गांव देवचा अर्धा बप्पा के सेक्रेटरी है। और आइए इस वक्त मैं आप सबको दिखाता हूँ कि हमारे जो भाई लोग हैं अपने एरिए के, यहाँ पे कोई प्लेट बांट रहा है तो कोई खाना बांट रहा है। चलिए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ये देखो, ये मनीष भाई है, ये यहाँ पर थे अभी। और यहाँ पर देखो महाप्रसाद चालू हो चुका है। ये हमारे संतु अन्ना चावल बांट रहे। और ये सचिन तावड़े जी, ये अध्यक्ष है। और ये अपने संग्राम भाई, इनसे तो आप सब मिले ही हो। और ये देखिए आदर्श। और यहाँ पे देखिए भाई, अभी फिलहाल में अकेले। और ये काउंटर अभी चालू नहीं किया गया है, बस थोड़ी देर में काउंटर चालू कर दिया जाएगा। दो काउंटर यहाँ पे पूरा लगाया गया, आप सब देख सकते हो। एक काउंटर यहाँ पे और एक काउंटर वहाँ पे। अभी जो पूरा मैदान खाली खाली दिख रहा है, बस थोड़ी देर में पूरा भर जाएगा यहाँ पर। वो हमारे सामने प्रतीक भाई है। जो पब्लिक, ये देखिए ये अपना भाई है बाबू। इससे भी आप सब पहले जब मैं वाटरफॉल का ब्लॉग बना रहा था तभी। तो चलिए फिर इसी के साथ में आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आप सबने बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा कि मैं धारावी में गया था और मैंने वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते टाइम पे आपको बोल दिया था कि आज मैं धारावी से एंटॉप हिल और काफ़ी जगह पप्पा के दर्शन करने के लिए जाने वाला हूँ। लेकिन फिर मैं आज सबने देखा कि बारिश कितनी तेज चालू हो चुकी थी और पूरा भीग जाने के से एकदम मैं थक गया था। और मेरे साथ में जो भाई लोग थे अमन और सब, तो मतलब सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो इसके लिए उससे आगे बप्पा की मूर्ति कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं वहाँ से घाटकोपर में आया और घाटकोपर इसमें मैंने आप सबको एक बप्पा की मूर्ति दिखाया। उसके बाद दोबारा हम लोग गए दत्तगुरु मित्र मंडल में बप्पा के दर्शन किए। और आने के समय मैंने आप सबको अपने एरिए में ब्रास साड़ी से आधा बप्पा के दर्शन करवाए। और एकदम आखिरी में जो आप सबने मूर्ति देखा, गाँव देवीचा राजा मैं रहता, एक्चुअली गाँव देवीचा राजा मंडप के यहाँ पे मैं रहता हूँ। ये मतलब मंडप मैं बचपन से दिख रहा हूँ। और मैंने आप सबको प्रदीप चौबले जी से इसलिए पूछवाया क्योंकि आप सबको भी जानना ज़रूरी है। एक्चुअली मैं तो जानता हूँ कि मतलब यहाँ पे बप्पा की स्थापना कब से हुई है, लेकिन आप सबके लिए भी जानना ज़रूरी था। और इधर पीछे भी आप सबको मैदान दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखिए महाप्रसाद भी चालू हो चुका है, मैंने आप सबको दिखाया। तो चलिए फिर इसी के साथ में जो हमारा पूरा 9 दिन का जो दिन था, खाली उसमें एक दिन मिस हो गया, 8वां दिन, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा थक जाने जैसे मैं उस दिन किधर बप्पा के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाया। बाकी आप सबने पूरा फर्स्ट डे से लेकर 9 डे तक मैंने आप सबको सब गणपति बप्पा के दर्शन करवाए काफ़ी जगह पर। अगर आप सबने वीडियो नहीं देखा है तो आप सब जाके देखिए, मेरे होम पेज पर आपको मिल जाएगा और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो आप सब जाकर सभी वीडियो चेक कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ में हमारे 9 दिन के पूरा दर्शन करके ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं हम लोग आपसे कल एक और नए ब्लॉग में और एकदम आखिरी ब्लॉग में जब बप्पा का विसर्जन होने वाला है। तो कल हम लोग गिरगांव चौपाटी मिलेंगे और परेल से जितने गणपति बप्पा की मूर्ति बाहर निकलेगी मैं सब आप सबको दिखाता हूँ। और कल परेल के रोड में कितना ज़्यादा क्राउड होने वाला है मैं सब आप सबको दिखाता हूँ। जब तक के लिए आप सब कंटिन्यू बने रहिए और साथ में बोलिए गणपति बप्पा मंगल मूर्ति बोलिया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम।